विपक्ष मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराना चाहता था या सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहता था? बिल्कुल ये सवाल तब उठा जब विपक्ष सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ले आया। जी हाँ, सवाल इसलिए उठा है कि सरकार तो मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराने के लिए पहले ही तैयार थी, फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मतलब? वो भी तब जब विपक्ष के पास लोकसभा में नंबर ही नहीं। एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे की मंशा समझाते हैं। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्तावित करने के सर आज विपक्ष मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराना चाहता था या फिर प्रधानमंत्री से बयान दिलवाना चाहता था? 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन की मंशा आज खुलकर सामने आ गई। मणिपुर हिंसा पर चर्चा की आड़ में पूरे 4 दिन संसद नहीं चलने दी गई। सरकार बार बार विपक्ष को चर्चा के लिए बुलाती रही, मगर विपक्ष जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर उतर आया तो उसकी नियत खुलेआम जग जाहिर हो गई। मगर संसद की कार्यवाही रोकने के विपक्षी मंसूबों पर पानी फेरा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, जिन्होंने कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई के आत्मविश्वास प्रस्ताव लाने के आवेदन को मंजूरी दे दी। मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है, ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अविश्वास प्रस्ताव लाने की तारीख तय करेंगे। वैसे उम्मीद थी कि आवेदन मंजूर होने के बाद विपक्ष हंगामा बंद कर देगा, लेकिन सदन के अंदर और बाहर हंगामा अब भी जारी है। लेकिन विपक्ष जानबूझ करके इस सत्र के इसको बर्बाद कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, सत्र नहीं चलने दे रहा है। और सर, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने विषय उठाया है, गलत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, सीधे सीधे सदन की भी अवमानना कर रहा है, सदस्यों की भी अवमानना। लोकसभा में विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है, फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव ले आया। अब सवाल ये है कि विपक्ष के लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव का होगा क्या? केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा में काफी मजबूत है। सरकार के पास 331 सांसद हैं, जिनमें 301 सांसद तो बीजेपी से ही हैं, जबकि लोकसभा में विपक्ष के पास सिर्फ 139 सांसद हैं। मतलब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 139 ही वोट पड़ेंगे। ऐसे में सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष काफी गंभीर है और 26 दलों के विपक्षी गठबंधन को उम्मीद 2024 के चुनाव में चुनावी बढ़त हासिल करने की भी है। कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस मणिपुर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और उनके हक की लड़ाई आज हम सदन के अंदर लड़ रहे हैं। और हम बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहते हैं कि सदन के बाहर नहीं, सदन के अंदर आकर देश को संबोधित करें। ऐसा नहीं है कि विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। इससे पहले जुलाई 2018 में भी विपक्ष मोदी सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन वो प्रस्ताव 325 के मुकाबले 126 वोट से गिर गया था। टीम न्यूज़ नेशन।